नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी। हमारे साथ इस वक्त एडवोकेट हरिशंकर जैन जी। किसी परिचय की उन्हें ज़रूरत नहीं है। राम मंदिर आंदोलन से लेकर ज्ञानवापी की अदालती लड़ाई, हर जगह आपने इन्हें देखा है, इनकी दलीलें सुनी हैं। और ज्ञानवापी का जो चेहरा है विष्णु शंकर जैन, इन्हीं के मार्गदर्शन में उस लड़ाई को आगे भी बढ़ा रहे हैं, या मैं कहूँ इन्हीं के साथ मिलकर ज्ञानवापी को लेकर जो हिंदू पक्ष की लड़ाई है उसे लड़ रहे हैं। लंबा एक करियर अधिवक्ता के तौर पर 1989 से लेकर 2019 तक एक्टिवली इन्वॉल्व रहे हैं, हाई कोर्ट्स हों या सुप्रीम कोर्ट हों। हरिशंकर जैन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अदिति त्यागी ऑफिशियल पर, और आभार कि आपने मुझे वक्त दिया है। धन्यवाद। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है सर, ये जो ज्ञानवापी को लेकर लड़ाई अदालत में है, मैं बार बार सुन रही हूँ, ये मैंने विष्णु शंकर जैन को, यानी जो कि आपके सुपुत्र हैं, उन्हें भी कहते हुए सुना, और मैं हिंदू पक्ष को भी बार बार कहते हुए सुन रही हूँ, वो एक ही बात कहता है कि मुस्लिम पक्ष जो है वो इस लड़ाई को लटकाना, अटकाना और भटकाना चाहता है। आप ऐसा क्यों कहते हैं? देखिए, काशी विश्वनाथ की जो लड़ाई है, बहुत सोच विचार के और काफी अध्ययन के बाद हमने 6 दावे दायर किए, 6, और ये दावा फरवरी 2021 से लेकर अगस्त 2021 के बीच में 6 दावे दायर। और मूल है कि बहुत अच्छी, बहुत बड़ी मंदिर था जिसको आदि विशेषर टेम्पल के नाम से जानते थे। जब देश में मुस्लिम आक्रमणकारी आए तो महमूद गजनवी ने सबसे पहले तोड़ा, उसके बाद महमूद गजनवी के बाद शर्की जो तुगलक वंशी थे, इन लोगों ने, इन्होंने तोड़ा। उसके बाद 1580 में राजा टोडरमल के जो गुरु थे अकबर के ज़माने में, नारायण भट्ट जी, मैं डेट बता रहा हूँ 1580, उस मंदिर को रिस्टोर कराया जो टूटी हुई थी। और एक भव्य मंदिर आदि विशेषर का, जहाँ आदि विशेषर ज्योतिर्लिंग मौजूद था, वह मंदिर का भव्य निर्माण। और 1580 के बाद से हिंदू बराबर लगातार वह पूजा करते चला रहा था और धार्मिक अनुष्ठान होते। 1669 में औरंगजेब ने फरमान जारी किया कि बनारस और मथुरा, मथुरा के केशोदा मंदिर यानी फिर जन्मभूमि पर बने मंदिर, और ये मंदिर काशी विश्वनाथ की, ये तोड़ दीजिए। और इसको तोड़ने का आदेश देने के बाद उनके जो सिपा सलार थे तोड़ा और आके बाकायदा इन्फॉर्म किया कि साहब आपके आदेश का पालन। इसका रिकॉर्ड मैं हवा बात नहीं कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। नसीर आलमगिरी जो मुस्लिम राइटर किताब है उसमें लिखा हुआ है, जो हिस्टोरियन है, जितने हिस्टोरियन हैं सब ने लिखा है। इवन जो इरफान हबीब जो मुस्लिम हिस्टोरियन है, उन्होंने इस बात को कन्फर्म किया मंदिर की हिस्टोरी। और वो फरमान तोड़ने का बीकानेर आर्काइव में आज भी रखा। ये बात तो रही इसकी। अब सवाल ये है कि मंदिर तोड़ने के बाद जो ढांचा आप खड़ा कर लेते हैं, बनाते हैं, वो मस्जिद हो सकता है नहीं हो सकता कि केवल वो आपके नमाज पढ़ लेने से वो मस्जिद हो जाएगा? तो हमने जो दावा दायर किया है, माँ श्रृंगार गौरी की तरफ से दायर किया पहला दावा, और यह था कि 1993 तक यह डिफरेंट प्लेसेस थे जिसमें मार्केश्वर, तारकेश्वर, गौरी जी, माँ श्रृंगार गौरी, गणेश जी, हनुमान जी, सबकी पूजा के साथ साथ सारे विजिबल और इनविजिबल डेटीज की पूजा पाठ हो रहा था। कब से लेके कब तक? सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, कब से लेके कब तक नियमित तौर पे पूजा होती थी? 1993 जी, फिर रिपीट कर रहा हूँ, 1993 तक इस बात के साक्ष्य है, कंप्लीट साक्ष्य है, वहाँ पूजा होती रही। 93 में जो मुलायम सिंह की गवर्नमेंट थी, इन्होंने बैरिकेड करा दिया लोहे फेंसिंग से, और जो ब्यास जी थे उनको बाहर भेज दिया,
उनको बाहर कर दिया, पूजा पाठ बंद हो गई। व्यास जी अगर रामायण पाठ करते थे और डेली पूजा होती थी, वो बंद हो गई और हिंदुओं का अंदर एंट्री बंद कर दी, और जो डिफरेंट हिंदू करते थे उनको बंद। ये हमारे सूट में लिखा हुआ है और कोर्ट ने इसको एडमिट किया है, स्वीकार किया। इसके बाद जो बैरिकेड लग गया तो साल में एक दिन माँ श्रृंगार गौरी की बसंती नवरात्र के चतुर्थी पर एक दिन पूजा अलाउ की गई, जो आज भी चल रही है साल में पूजा बराबर हो रही है पर एक दिन। और जो डिफरेंट जगह पर पूजा हो रही थी, जैसे मैंने बताया तारकेश्वर महाकेश्वर विजिबल इनविजिबल एंटिटीज सबकी, वो रोक दी गई टोटल। तो हमने ये मांगा कि जो सरकार ने काम किया है वो इलीगल है और हमारा पूजा का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, उसको हम ले नहीं सकते। इसी क्रम में एडवोकेट सर्वे की दरखास्त लगाई, वो सर्वे करा लिया जाए कि पूजा स्थल कौन कौन से, ताकि कोई ये ना कहे कि आप हवा में कह रहे हैं और बिना कमिश्नर रिपोर्ट के वो चीज़ सामने नहीं आ सकती। कोर्ट ने एडवोकेट समय कमिश्नर अपॉइंट किया, 6, 7, 13, 14, 15, 16 पांच दिन एडवोकेट कमिश्नर ने सर्वे किया। 16 मई को आपको मालूम होगा जी 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 बड़ा शिवलिंग जिसको ये लोग वजू खाने में दबाए हुए थे, हाथ में धो रहे थे, मतलब कहना चाहिए बड़ी इंसल्टिंग बात है, ये धार्मिक भावना को हाथ करने वाली बात है, उसको वजू कर रहे थे मस्त शिवलिंग में। साथ साथ पूरी बिल्डिंग की जब जांच की गई उसमें संस्कृत के श्लोक है, स्वास्तिक बना हुआ है, त्रिशूल है, डमरू है और तरह तरह के देवी देवता है जो पूजा करने का आला होता है हिंदू मंदिर में, वो बना हुआ है, स्वास्तिक बना हुआ है। नीचे नीचे जो आपका तहखाना है वहाँ है, टूटी टूटी मूर्तियाँ हैं, जो पश्चिमी दीवार है उस पर पूरी सारी जो आज की ढांचा है उसका उस पर भार है पूरा, उस पूरी पश्चिमी दीवार को देख लीजिए, वो मंदिर उस पर हिंदू देवी देवता बने हैं, और जो शिखर है हिंदुओं का मन पुरानी मंदिर का उसके ऊपर एक बड़ा शिखर रख दिया गया है, शिखर के अंदर शिखर है, डोम के अंदर शिखर है। ये बात के सारा सबूत अगर आपने या दर्शकों ने कमिश्नर रिपोर्ट देखी होगी, बहुत टीवी दिखाया गया है, तो आप देख लीजिए, जिसकी बात मैं कह रहा हूँ सब ऑन रिकॉर्ड, तो ये बातें सामने आ गई। इसके बाद हमने दरखास्त दी कोर्ट में जैसे पूरे इलाके का सर्वे कर लिया जाए, पूरे इलाके का, ताकि क्योंकि आज भी जो ओरिजिनल ज्योतिर्लिंग है मेन डोम के नीचे आज भी मौजूद है, अगर रिपोर्ट आ गई तहखाना नीचे खुल गया ढांचे के नीचे तो भगवान भोलेनाथ का दर्शन होगा, और मुस्लिम जानता है कि सच्चाई क्या है, और सच्चाई सामने ना आवे इसे सर्वे का विरोध होगा, इसलिए तो आज भी मौजूद है। और जब ऐसा ही जांच करेगा तो कौन सी कितनी पुरानी है, जो मैं बता रहा हूँ पुराना शिखर पाया गया वो कितना पुराना है, दीवारें कितनी पुरानी है, जो त्रिशूल बना वो कितना पुराना है, सब जांच में सामने। तो इसीलिए मुस्लिम ऐसा ही सर्वे का विरोध कर रहा है कि सच्चाई सामने आ जाए, हमारा केस बिल्कुल सच्चा है और इस बिना पर है, ये नहीं कि हमने खाली फैशन में ये एंटी मुस्लिम फीलिंग रखने के लिए कह दिया है, ऐसा कुछ नहीं है, जो सच्चाई है और जो बिल्डिंग की सच्चाई है, जो ऐतिहासिक तथ्य है और जो हिंदुओं का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, धार्मिक अधिकार है, धार्मिक अधिकार जो संविधान में संरक्षित है उसको पाने की दावा है। आपने बहुत डिटेल में यहाँ पे बात की है, तो मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ, जो दर्शक इसे देखेंगे आपकी बातें जो सुन रहे हैं उन्हें आप ये बताइए, आपने ये भी बताया कि माँ श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा होती थी, फिर उसे मुलायम सिंह यादव की सरकार ने उस पर रोक लगाई और एक दिन पूजा की अनुमति दी, ये जो माँ श्रृंगार गौरी की पूजा होती है जहाँ और ये जो मस्जिद है इसके बीच दूरी कितनी है? देखिए माँ श्रृंगार गौरी की पूजा
एक्चुअल चौखट है माँ श्रृंगार देवी के मंदिर के अंदर जाने का मंडप में पश्चिमी दीवार पर चौखट है, ये चौखट पर होती है। जब चौखट का दरवाजा खुलेगा अंदर जाएंगे तो माँ श्रृंगार देवी का मेन स्थान मंदिर मस्जिद में दबा हुआ है, आज भी दबा हुआ है। पर हम केवल चौखट पर पूजा करते थे, वो चौखट की पूजा अब साल में एक बार करते। अब चौखट समझ रही ना, जब हम मंदिर में जाते हैं तो जो मेन दरवाजा होता है वो चौखट देखते हैं, तो वो जो पूजा चौखट पर होगी पश्चिमी दीवार पर, और वहीं से रास्ता मंदिर में जाता है माँ श्रृंगार देवी का। वो आज इंतजामिया कमेटी के कब्जे में, और मैंने आपको बताया भी कि विभिन्न स्थान थे, भगवान तारकेश्वर, मार्केश्वर, माँ गौरी, गणेश जी सब वहाँ थे और सब पूजा हो रही थी और तिरान के तुम। और यही नहीं, एक बताओ ना, और बताओ, ये केस चला था दीन मोहम्मद का, 19 जिसको मुस्लिम बहुत नाम लेते हैं कि दीन मोहम्मद के केस में हमको अधिकार मिल गया। तो दीन मोहम्मद का केस चला था, उसमें भी हिंदू पार्टी नहीं था, केवल भारत सरकार पार्टी थी। हिंदुओं की दरखास्त पार्टी बनने की खारिज कर दी गई थी, कास्ट से मतलब नहीं है। तो हमारे ऊपर उस जजमेंट का प्रभाव नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, 12 दवाइयाँ सरकार ने दिलवाई थी उस समय की ब्रिटिश सरकार ने, और उस गवाही में 12 गवाहों ने जो मैं आज बता रहा हूँ ये कहा था कि इस स्थान पर पूजा कर रहे हैं माँ श्रृंगार गौरी से लेके गौरी तारकेश्वर मार्केश्वर सबकी पूजा कर रहे हैं। ये मांग 1937 में हुआ है और वो पूजा कंटिन्यू रही है अब तो 1993। जो कहते हैं जैसा वर्षी पेट अप्लाई कर, मैं कुछ नहीं करता, जैसा वर्षी पेट खत्म, क्योंकि 93 तक लगातार पूजा हो रही थी। तो जितनी मुस्लिम कहानी है जो बर्बरता की कहानी है, जैसे हर आदमी जानता है कि मुस्लिम आक्रांता जब से देश में आए हैं मारो काटो धर्म परिवर्तन कराओ मंदिर तोड़ो, अच्छा गंदी सोच गंदी कहानी मानवता के खिलाफ वो कहानी चली आती है। और औरंगजेब ने तो पराकाष्ठा कर दी थी। मैं छेड़ना नहीं चाह रहा था पर एक मिनट याद चाहता हूँ, बच्चों को दीवार में चुना, उनके गले रहते गए, मतलब इसलिए बता रहा हूँ क्या क्या नहीं किया है। तो मंदिर तो उनके लिए बहुत सामान्य चीज थी, जज अखर लगा सब कुछ तो लगा, हिंदुओं के मानो जनेऊ जलाए गए रिकॉर्ड है। वो औरंगजेब था जो कि मूर्ति पूजा छेड़ता था, हिंदुओं से घृणा करता था, उस औरंगजेब का काम था, फरमान रखा हुआ है। आज सच्चाई को सुनने का दम नहीं है, सच्चाई को सुनना नहीं चाहता, और जो सेकुलर गए गए इसने सच्चाई को दबाने के लिए सारे हथकंडे खोल दिए हैं। अब कोई कहता है कि साहब जांच की जाए कितने बौद्ध मंदिर गिराए गए, अरे भाई न बौद्ध मंदिर का मुकदमा है, न कोई बौद्ध ने आज तक कोर्ट में आके दावा दायर किया कि सिख हिंदू जैन सब आपस में कोई सब एक ढंग के हैं। बौद्ध हम तो माता बुद्ध को अवतार मानते हैं, विष्णु जी का हम तो पूजा करते हैं, तो बौद्ध हमारे सेम है, बौद्ध कोई लड़ाई नहीं है। और बर्मा में यानी म्यांमार में बौद्ध और मुस्लिमों की लड़ाई हुई, बौद्ध को हमने साथ दिया, श्रीलंका में साथ दिया, कंबोडिया में मंदिर राम मंदिर बना हुआ है, तो बहुत बड़े हिंदू भाई हैं, कोई विभेद हो ही नहीं सकता। तो आज वो लड़ाना चाहते हैं जबरदस्ती की, तो मैं कहना चाहता हूँ सब लोग सावधान हो जाइए, जो मुस्लिमों की लड़ाने की जो नीति है इस पर मत आइए, बौद्ध सिख जैन ये सब आपस में एक है, कोई विभेद नहीं है। अब मैं मुद्दे पर आता हूँ, तो ये जो सारी कहानी है, जैसे आज आप देखिए देश में क्या हो रहा है, मैंने 2 साल पहले थोड़ा विषांतर कर रहा हूँ, 2 साल पहले मेवात के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जब वहाँ 95% मुस्लिम रह हो चुका है, हिंदू जनता के लिए वहाँ खतरा है, हिंदू औरतों की साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है, उनके साथ क्या क्या हो रहा है मैंने बयान किया था, जो मैंने यहाँ नहीं बोल रहा हूँ, 2 साल पहले कहा था, आज वो सामने आ रहा है और मिनी पाकिस्तान बन रहा है। आपको समय रहते निपटना पड़ेगा इन चीजों को। कहते मंदिर बनने से क्या फायदा, महंगाई चल रही है बेरोजगारी चल, इसकी बात की है, अरे महंगाई बेरोजगारी बात किया है,
हम बचेंगे तब देखेंगे। हम अपनी संतान के लड़ रहे हैं, अपने भविष्य के लड़ रहे हैं, इसलिए लड़ रहे हैं कि जो मंदिर गई थी, जो हमारी भावना है, जो हमारा अस्तित्व है, हमारी अस्मिता है, इस देश की जो धरोहर है वो वापस आ गई। और ऐसा नहीं है कि मुस्लिम तो कोई चीज मांग रहे हैं, हमने मुस्लिम कोई चीज मांगी है, केवल अपनी चीज मांग रहे हैं। केवल आज हमको उसी तरह से जैसे 5 गांव नहीं दिए गए थे और महाभारत गई तो फिर सब कुछ चला गया, तो आज हम केवल अपने धर्म स्थान की लड़ाई कर रहे हैं। अगर वो नहीं मिलेगा तो ये धर्म युद्ध है, ये बढ़ेगा और विजेता मंगे होंगे। भगवान कृष्ण हमारे साथ धर्म युद्ध होगा, वो रुक नहीं सकते। हम तो धर्म में विश्वास करते हैं, हम मारकाटी विश्वास नहीं करते, हम तो कानून लड़ाई लड़ रहे हैं, पर अगला आदमी कानून लड़ाई नहीं लड़ता, वहां तो पता नहीं क्या क्या हो जाता है, सतन से जुदा की नाराज हो जाता है। जी जी, आप बात पूरी कर लें। और उसके बाद मेरा आपसे सवाल ये है कि मुस्लिम पक्ष कहता है आप वर्चस्व की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, आपसे मतलब आप नहीं हिंदू। दूसरा सवाल ये भी उठता है सर, ये लड़ाई थमेगी कहाँ? आपने कहा ये धर्म युद्ध है और हम ये युद्ध लड़ेंगे, हम धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये थमेगा कहाँ? क्योंकि कभी कहा जाता है 10,000 ऐसे मस्जिद हैं जो मंदिरों को तोड़कर बनाई गई, कभी आंकड़ा 20,000 का हो जाता है, कभी आंकड़ा 23,000 का हो जाता है, तो पूरे देश को थोड़ी ना खोद देंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, सवाल ये है जहां जाए सबूत मिलेगा, जहां का सबूत मिलेगा कि हिंदू मंदिर तोड़कर ये तथाकथित मस्जिद बनाई गई है, सबूत मिल जाएगा तो छोड़ेंगे नहीं, नहीं मिलेगा तो छेड़ेंगे नहीं, जो नहीं मिले उसको नहीं छेड़ेंगे। पर जब सबूत सामने दिख रहा है, मंदिर सामने दिख रही है, क्यों मांगे? मथुरा का है, इसी तरह से सामने दिख रहा है, भोजशाला का सामने दिख रहा है। और मैं कोई केस करने के पहले 4-5 बार जाता हूँ, सब चीज का गहन अध्ययन करता हूँ, अपने आंखों से देखता हूँ, और तब जो सुयोग्य आदमी होता है उसको पिटीशन बनाता हूँ। क्या जो आदमी जानकार हो वो भी समझे, इन्हें कहीं मेरे कहने से कह दे, तो हम लोग काफी छानबीन करते हैं। कोई देश खोदने की बात नहीं चल रही है, जैसे अयोध्या का था, साफ सामने था हिंदू मंदिर था, और जो मंदिर वेद और शास्त्र में लिखे हुए, ऐसा नहीं है कि हम किसी को मूर्ति रख के कह दें कि हमारी मंदिर है, वो चीजें जो शास्त्रों से प्रमाणित है क्या ये मंदिर, उसका उसका महत्व है। हम वेद पुराण न्याय नहीं लिख देंगे, लिखे हुआ है, लिखा हुआ है, तो जिसका वर्णन मिलता है वेद पुराण में और जिसका सबूत है हमारे पास पक्का कि हाँ तोड़ के बनाई गई है, एक भी नहीं छुपेंगे, उसका धर्म युद्ध होगा, चाहे एक हो जाएगा जहाँ इससे मतलब नहीं, और जो सबूत नहीं मिला तो छोड़ेंगे। और मुसलमान आज भी कहता हूँ, आके कहते हैं साफ साफ कि हाँ ये आपकी तोड़ के बनी थी, आपने ले जाइए, हम वापस कर रहे हैं, हम उसके बाद बोलेंगे नहीं। कोई लड़ाई ये नहीं हो रही कि मस्जिदें हटा दी जाए, पर अगर लड़ाई बढ़ी, पर अगर लड़ाई बढ़ती है आगे चल के, तो 5 गांव की जगह फिर पूरी सल्तनत की लड़ाई होगी, उस समय डिमांड कहाँ कहाँ जाएगी, इसके लिए मैं आज कुछ नहीं कर सकता, फिर कहीं भी जा सकता। लेकिन तो सर वो बोलेंगे कि आप उन्हें धमका रहे हैं। धमकाने गया इसमें, अरे आपने जजिया कर लगाया, 8 साल तक शासन किया, हमारे ऊपर अन्याय किया, आज हम संवैधानिक रूप से लड़ रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान के तहत जो अधिकार है उसके लिए लड़ रहे हैं, जैसे धमकाने गया है। धमकाना तब जब कहें बाया खींचे कि आ जाओ बाहुबल से लड़ लो, कोई बंदूक नहीं हाथ में, हाथ खाली है। पर इसमें कलम जी का एक हथियार है, केवल एक हथियार है, कलम दीजिए, एक हथियार है अपने पास, और वो हथियार है ये, केवल ये, तलवार के मुकाबले कलम और कुछ नहीं है। और जो लड़ाई होगी वो केवल कलम से होगी, संवैधानिक रूप से होगी, जो संविधान में लिखा उसके तहत होगी। पर यहाँ के लोग संविधान मानने को तैयार नहीं है, जब मेरे पक्ष में हो तो संविधान है। आज CA का आंदोलन था, पार्लियामेंट ने पास किया, आप कहते नहीं वो गलत है कानून, जिसमें आपको नुकसान नहीं है क्या? पूरा यहाँ
देश को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते कि जितने मुस्लिम आ जाए ये हम लोग नहीं होने देंगे। तो लड़ाई जो है धर्म युद्ध है, और जब धर्म युद्ध होता है तो धर्म युद्ध हमेशा धर्म के साथ होता है। हम लोग अन्याय नहीं करते हैं। यह आईएस का जिहाद नहीं है, मुसलमान नहीं समझते हैं जैसे हम लड़ते वैसे ही लड़ेंगे, जिहादी लड़ाई नहीं है। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जिहाद वर्सेस धर्म की लड़ाई है, और धर्म में भी इसकी लड़ाई कलम की लड़ाई है। केवल वकील के पास होता क्या है, जवानों कलम तीसरा चीज होता ही नहीं भाई। इसमें कहा कि उन्माद, आइए भैया कोर्ट में लड़ लीजिए, आप जी जाइए आप ले जाइए, कोई सड़क पर थोड़ी लड़ रहे हैं, ये थोड़ी कर रहे हैं कि आपका जुलूस जा रहा है तो पत्थर फेंक रहे हैं और बम फेंक रहे हैं। ये कश्मीर नहीं है कि हम रोज पत्थर बरसा रहे हैं, वो नहीं हम कि सारे हिंदुओं को हवाया जान दी कि मस्जिदों से कि सारे मर जा से चले जाए, औरतों को छोड़ जाए, नहीं तो सब कत्ल कर देंगे, हम वो नहीं कर रहे हैं। अगर ये ऐसा होते तो 47 में एक मुसलमान हिंदुस्तान में न बचने पाता, अगर हम जरा भी असह शुरू होते। वो आज लोग पछता रहे हैं कि हमने गलती की, एक दो लाइनें याद आ रही हैं वो सुना दूं आपको। गलत किया जो तुझमें एतबार किया, छुरी को गले से लगा लगा के प्यार किया। आज हिंदू जनता कह रही है गलत किया जो तुझमें एतबार किया, छुरी को गले से लगा लगा के प्यार किया। गलती की है, गलती को भोग रहे हैं। इसके बाद भी इसे हिंदू ने नहीं कहा कि हम इसके आगे एक्शन लेंगे और हमको मजबूर न किया जाए फर्दर एक्शन लेने के लिए। तो धर्म युद्ध बढ़ता है तो समग्र क्रांति होती है और पूरे देश में बिल्कुल धर्म का ढंग बसता है। याद कर लीजिए, सब कोई जाग जाओ, याद कर लो, मत बातें करो लड़ने के लिए, चुपचाप 5 गांव दे दो कोई बात। और जब आप 5 गांव कहते हैं सर, तो 5 गांव से आपका मतलब क्या है? जितने हिंदू मंदिर है जिनको आपने तोड़ के बनाया उसको दे, 5 गांव तुलना कर रहा हूँ, 5 गांव मतलब 5 मंदिरों से नहीं है। तो ये 20,000 है, 10,000 है, 23,000 है, कितने आपके हिसाब से? जी अभी देखिए मैं झूठा बयान नहीं दे सकता हूँ, जितने मेरे पास केस आ रहे हैं कई जगह आए हैं, सबकी छानबीन चल रही है। पूरे देश में 20 प्रांतों में हमारी लीगल टीम काम कर रही है, रिसर्च कर रही है, और रिसर्च ये जरा सा नहीं हो रहा है, गहन रिसर्च हो रहा है। रिसर्च करने के बाद मैं स्वयं देखूंगा, जाकर उस जगह को देखूंगा, उन कागजों को देखूंगा, और जब संतुष्ट हो जाऊंगा कि आप वाकई में तोड़ के बनाई गई है तब उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। संख्या कितनी भी हो जाए उसकी चिंता नहीं है, पर जो तोड़ के बनी है वो ऐतिहासिक भूल है। मैं किसी और बता दूं, जो ऐतिहासिक भूल जो जनता समय पर नहीं जागती है वो इतिहास में खो जाती है। हमको इतिहास में खोना नहीं है, हिंदू जाति का, हिंदू कम्युनिटी का अस्तित्व बनाए रखना है। पूरे वर्ल्ड में एक ही तो कम्युनिटी है जो धर्म की बात करती है, बाकी रिलीजन की बात करते हैं, धर्म की बात करने वाले केवल हम हैं। अगर पूरे विश्व में धर्म कहीं पहुंचा है, सिद्धांत पहुंचा है, पीस का सिद्धांत पहुंचा है, न्याय का सिद्धांत पहुंचा है, आज की जो साइंस अधिष्ठान पहुंचा है, हिंदुस्तान से पहुंचा है। 17वीं-18वीं शताब्दी के पहले कितनी खोज हुई थी, जो अंग्रेज आए यहाँ से सब शास्त्र हमारा ले गए, उनकी खोज तब जाके उनको मालूम हुआ कि हमारे संस्कृत में सारी चीजें लिखी हुई है, उसका उन्होंने फायदा लिया। तो हम तो वो चीज है, हम उन महामानव संतान है जो देश को पूरे विश्व को गौरव दिया है। एक आज गणित कहाँ से आई, हिंदू शास्त्र से आई। चंद्रयान हम पहले बनाते थे जब कहीं कुछ नहीं था, सब तो हमने दिया है, हमें को लोग सिखाने आ गए। तो हमको अपनी उस चीज को जो चली गई है उसको वापस लाना है, और लड़ाई ठीक है राष्ट्रवाद की है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की है, और धर्म राज्य स्थापित करने के लिए। जी ठीक। योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा कि कौन सी मस्जिद में त्रिशूल मिलते हैं। अभी जो आपने ऐतिहासिक भूल जिसका जिक्र किया उसी का जिक्र योगी आदित्यनाथ ने भी किया था। इसके अलावा ये माना जाता है कि ये जितने भी मंदिर मस्जिद के मामले हैं इनके पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी ही है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए मैं बता दूं, योगी आदित्यनाथ जी ने 1 साल तक चुप रहे, 1 साल तक उन्होंने कोई बयान नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है? अध्ययन किया है, सारी किताबों का अध्ययन किया है, सारे जो डॉक्यूमेंट्स उनका अध्ययन किया है,
अध्ययन करने वाले निष्कर्ष पहुंचे हैं कि वास्तव में वो मस्जिद नहीं है, मस्जिद कहने पर शांति फैलेगी। तो राय दी, नेक राय दी है, राय तो कोई किसी को दे सकता है, नेक राय दी है कि भाई आप समय क्यों झगड़ा कर रहे हो, बेटा ये मस्जिद रसूल वगैरह तो होता नहीं है, शास्त्रों के हिसाब से एक्सेप्टेड है, मंदिर थी एक्सेप्टेड है, तो इसको आप छोड़ दीजिए, राय दीजिए, राय दी है, इस राय को अदरवाइज नहीं दीजिए। दूसरा सवाल क्या था? दूसरा सवाल क्या था आपका? मैं भूल गया, दूसरा सवाल क्या था? नहीं, दूसरा सवाल ये था कि कहा जा रहा है मंदिर मस्जिद की जो लड़ाई है उसके पीछे बीजेपी है, और ये भी कहा जाता है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में अगर अमेंडमेंट करने हैं तो फिर मौजूदा सरकार के पास तो नंबर है, उन्हें वो लेकर आने चाहिए अमेंडमेंट्स पार्लियामेंट में। नहीं नहीं नहीं, मैं आपसे बीजेपी के बिहाफ पर सवाल नहीं पूछ रही हूँ, मैं एक ऐसे शख्सियत के नाते आपसे सवाल पूछ रही हूँ जो ये लड़ाई लड़ रहा है, और लोग इसमें एक पॉलिटिकल मोटिव बीजेपी का बताते हैं। ये लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ, मेरी टीम लड़ रही है, हम लोग कोई बीजेपी के मेंबर नहीं है, तो बीजेपी का हाथ बिल्कुल कहीं से नहीं है, पहली बात। पर अगर सही बात को मोदी जी हो, योगी जी हो, या कोई भी पदाधिकारी सपोर्ट करता है तो उसका भी नहीं कर सकते इस पार्टी का। तीसरी बात, ये केस हमने दाखिल किया था, कब बताया था, फरवरी मार्च 2021 में, इलेक्शन बहुत दूर था, जिसका इलेक्शन से कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल जोड़ना गलत है, टोटल गलत है, इलेक्शन का कोई मतलब नहीं है, हम धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर सही बात को कोई सही कहे तो क्या इसका मतलब वो बीजेपी में हो गया या बीजेपी हमारे साथ हो गई? हाँ, ये बात सही है कि अगर चुनाव होगा तो हमारी आइडियोलॉजी के पास मोदी जी और योगी जी हैं, और डंके की चोट पर उनको वोट दूंगा, उनका सपोर्ट करूंगा, बट आई एम नॉट बीजेपी मैन, आई एम नॉट मेंबर ऑफ बीजेपी, इट इज ऑल्सो फैक्ट, आई एम टोटली इंडिपेंडेंट पर्सन, आई एम नॉट बाउंड बाई एनीबडी, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, अपने अंतरात्मा का वास्ता काम करता हूँ, अपने अंतरात्मा की आवाज़ से। देखिए, कुछ दिन पहले आपको याद होगा एक साहब ने कहा था कि हर मस्जिद में शिवलिंग का ढूंढना, हम प्रभावित नहीं हुए, हमारे घर ढूंढेंगे, मेरे घर में ढूंढेंगे, जहाँ जहाँ मिलेगा शिवलिंग वहाँ ढूंढेंगे। एक आपने बहुत पहले एक कविता पढ़ी होगी, कंकड़ कंकड़ से पूछूं मैं, कोई बता दे मेरा शंकर कहाँ है, कंकड़ कंकड़ से पूछूं मैं, कोई बता दे मेरा शंकर कहाँ है। तुम्हारी काल से कहते आए हैं, जहाँ जहाँ बोले बाबा हैं वहाँ वहाँ हम जाएंगे, खोजेंगे और उसके लिए प्रयास करेंगे। हम लोग भोले के भोले का धतूरा खाए हुए वो भक्त हैं जो हमेशा नशे में रहते हैं, और जो नशे में रहता है उसको कोई असर किसी बात का नहीं होता, उसको जो मनो कहता रहे, हम तो एक राह पर चल निकले हैं, सर पर कफन बांध के निकल चुके, किसी का डर नहीं है, हम तो करेंगे, हम तो करेंगे, करो या मरो, धर्म के लिए जिएंगे और धर्म के लिए मरेंगे, किसी का डर हमको नहीं है, करना है, कोई आरोप लगा जिसको जो मनुष्य लगाता है। बहुत लोग आरोप लगा देते हैं कि बड़ा इससे पैसा पैदा हो रहा होगा, बड़ा ये हो रहा होगा, मैंने ये कोई बता दू आपके इसी माध्यम से, मैंने किसी से एक पैसा चंदा नहीं मांगा है, मैंने कोई से कोई अपील नहीं की है किसी चंदा देने की, ना मैंने कोई अकाउंट नंबर सामने किया कि मुझको आप चंदा दीजिए, क्यों जिस दिन आपसे पैसे ले लूंगा उस दिन मैं आपके रिस्पॉन्सिबल लूंगा, मैं प्योर और प्योर अपने धर्म के लिए, अपनी संतति के लिए, हिंदू संस्कृति बचाने के लिए कर रहा हूँ, मेरा कोई इसका राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। हाँ, अब कोई गवर्नमेंट निश्चित बात है इसका लोग अपोज कर रहे हैं, उसको समर्थन कर रहा है, नेचुरली फायदा पाएगा, मैं क्या करूँगा, आ जाए कांग्रेस, आ जाए समाजवादी पार्टी, जय बोले बोले वोट उनको मिलेगा, पर वो नहीं आ रहे हैं, तो जो आएगा उसको सपोर्ट मिलेगा, नेचुरली हम नहीं बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, बीजेपी को सपोर्ट ऑटोमेटिक ये लोग पैदा कर रहे हैं, अपोजिशन वाली हो सकती, राहुल गांधी, प्रियंका जी, आपका आह्वान करता हूँ, आप भी कदम शिव भक्त हैं, आइए सपोर्ट कीजिए, आइए अखिलेश जी आप यदुवंशी हैं, माँ भगवान कृष्ण तो भगवान शिव का पूजक थे, आइए कहिए बोले लड़ाई नाम के साथ है, आपको मिलेगा वोट, अब आप कहिए आप अपोज करिए तो वोट आपको भी ऐसा भी देगा नहीं, हमें कोई नहीं देगा, तो वोट बीजेपी को जाएगा, तो इसलिए नहीं कि बीजेपी की तरफ से कर लो बिल्कुल गलत, मैं प्योर प्योर सिंपल केवल इसलिए
और ये बता दूं आपको, मैं सन 90 से आज तक 110 केस से ज्यादा फाइन कर चुका हूँ हिंदू के, जिसे बीजेपी बहुत दूर थी, हिंदू के नाम लेकर जेल होती थी। मुलायम सिंह गवर्नमेंट के खिलाफ 50-52 केस मैंने दाखिल किए थे, मेरा एक इतिहास है। आज से नहीं कर रहा हूँ, राम मंदिर आंदोलन समय से काम कर रहा हूँ। बीजेपी अब मोदी जी 14 में आ गए, मेरा इतिहास 1989 से भरा हुआ है, जिससे मुलायम सिंह ने सारी धर्मशालाओं का अधिग्रहण कर लिया था, मैंने छोड़वाया था। दिवाली के दिन स्पेशल कोर्ट बैठी थी, जैसे कि अब पांडे जो हाईकोर्ट जज नहीं बनाया था, इसलिए ताला खोलने का आदेश दिया, वो रिट मैंने की थी, उसके बाद हाईकोर्ट जज उनका प्रमोशन हुआ था। आपने क्या किया था, जहां शिलान्यास स्थल था 9 नवंबर 1989 को शिलान्यास हुआ था, उस पर छतरी लगा दी गई थी, मुलायम सिंह छतरी कटवाती थी, वो छतरी कोर्ट कमीशन ले जाके मैंने बरामद कराया था, वार्डर मेरे पास रखा हुआ है। 5,000 उर्दू ट्रांसलेटर मुझे वादा किया है कि मैं इस लड़ाई पूरा कब्जे से करने में लग जाऊंगा, और जब तक देह में खून है, एक सांस है, तब तक हिंदुत्व की लड़ाई लड़ूंगा। मैं किसी प्रभावित नहीं होने वाला हूँ, न किसी प्रकार से कोई चाहे कि हमको दबा ले, हटा ले, कुछ नहीं कर सकते। लड़ाई लड़नी धर्मयुद्ध है, और धर्मयुद्ध रहे, पर धर्मयुद्ध को अगर कोई ट्विस्ट करने की कोशिश करेगा तो महाभारत होगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। ये भी तो ही शंकर जैन जी, आपके नाम में ही शंकर है, ज्ञानवापी की लड़ाई आप और आपके बेटे के नाम में भी विष्णु शंकर जैन शंकर है, तो आप वो लड़ाई लड़ रहे हैं, आपकी अपनी साइड है जो आपने बहुत डिटेल में जाकर आज जो हमारे दर्शकों के साथ शेयर की है। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आपने वक्त भी दिया और इतना हिस्टोरिकल रेफरेंसेस भी बताए, साक्ष्य भी बताए कि आपको क्यों इतना भरोसा है कि अदालतें आपके पक्ष में ही फैसला सुनाएंगी। आभार और धन्यवाद सर। हर हर महादेव।